हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आओ सीखें। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाए हूँ। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं और आप इसे किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में, चाहे बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, ये बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप जेंट्स स्वेटर में भी डालेंगे तो ये बेहद खूबसूरत लगेगा। आप इस डिज़ाइन से कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। और डिज़ाइन छः लाइन में तैयार होता है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 11 फंदे डाले हैं। दो 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 और एक फंदा एक्स्ट्रा, 11 फंदे। डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम अपने दूसरे कलर को अटैच करेंगे। तो हमने दूसरे कलर को अटैच कर लिया। अब पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा उल्टा, ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा। एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, ऊन को हमें अपनी तरफ ही रखे रहना है। फिर अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा बनना है। एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बनना है। एक फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा बुनना है। तो जब हम दो के मल्टीपल फंदे लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड। ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को हमने सामने की तरफ से स्लिप किया था, तो रॉन्ग साइड से भी हम इसे स्लिप करेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब सामने की तरफ से जिस फंदे को हमने उल्टा बुना था, रॉन्ग साइड से भी हम उसी फंदे को उल्टा बुनेंगे और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था तो रॉन्ग साइड से भी हम उसी फंदे को स्लिप करेंगे। यानी दूसरी लाइन में भी हम अपने पहली लाइन को ही दोहराएंगे। तो हमने अपना दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरा लाइन हम अपने पहले कलर के ऊन से बुनेंगे, पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। यानी जिस फंदे को हमने उल्टा बुना था उसे हम सीधा बुनेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और देखिए, इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो तीसरी लाइन में भी हम इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। ऊन दूसरी ओर, अगला फंदा देखिए, जिसे हमने उल्टा बुना था इसे हमें सीधा बुनना है। ऊन अपनी तरफ, इस फंदे को हमें स्लिप करना है, इसे स्लिप कर देंगे। ऊन को दूसरी ओर करेंगे, देखिए ये फंदा जिसे हमने पिछली लाइन में बुना था उसी फंदे को हमें वापस तीसरी लाइन में भी सीधा बुनना है। सीधा बुना, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है लेकिन ऊन को हमें अपनी तरफ करना है। फिर अगले फंदे को स्लिप किया, ऊन दूसरी ओर। अब देखिए, फिर बुने हुए फंदे को हमें सीधा बुनना है, अगला फंदा स्लिप करना है। एक फंदा सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है। स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है, नेक्स्ट फंदा सीधा। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। चौथी लाइन और रॉन्ग साइड। तो चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। चौथी लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। चौथी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाएंगे सामने की तरफ और ये डिजाइन का पांचवा लाइन है। तो पांचवें लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। पांचवी लाइन में
पहले कलर के ऊन से यानी अपने मेन कलर से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। पांचवी लाइन में प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे और छठी लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो हमने छठी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। इन्हीं छह लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला लाइन और दूसरे रंग के ऊन से एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा। एक फंदा उल्टा बुनना है, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। तो इस तरह एक फंदा उल्टा बुनते हुए अगले फंदे को स्लिप करते हुए हमने सभी फंदों को बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो दूसरे लाइन में भी हम अपना पहला लाइन ही दोहराएंगे, यानी एक फंदा उल्टा बुनेंगे। जिस फंदे को हमने उल्टा बुना था सामने की तरफ से, उसी फंदे को हमें रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनना है और जिसे स्लिप किया था उसे वापस स्लिप करना है और ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा। एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा स्लिप करना है। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से और अपने प्राइमरी कलर के ऊन से जिस फंदे को हमने बुना है उसी फंदे को वापस हमें सीधा बुनना है और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था तो तीसरी लाइन में भी हम उसे स्लिप करेंगे, लेकिन ऊन को हमें अपनी तरफ करना है। फिर ऊन दूसरी तरफ किया, अगला फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। उन दूसरी तरफ, अगले फंदे को सीधा बुनना है, उन अपनी तरफ, अगला फंदा स्लिप करना है। तो एक फंदा हमें स्लिप करना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। स्लिप करने से पहले उन को हमें अपनी तरफ कर लेना है। तो इस तरह ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो चौथी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। पांचवी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। और छठी लाइन में सभी फंदों को उल्टा। तरह छह लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। छह लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे। इससे आप बच्चों का कैप बनाइए, इसे सॉक्स बनाइए, शूज़ बनाइए, हैट बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।